नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कि आप भी बिना चम्मच शुरू नहीं करते खाना, तो इस वीडियो में जरूर देखें ये हाथ से खाने के फायदे। तो दोस्तों हमारे पुराने जमाने लोग जो दादा दादी हैं कहते थे कि चम्मच से खाना नहीं खाना चाहिए, हमें हाथों से खाना खाना चाहिए। तो हाथों से खाना खाने से बहुत ही फायदे हैं, पुरखों से चला आ रहा है। दोस्तों हाथों से खाना खाने के बहुत सारे फायदे हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और क्यों हमें खाना चाहिए। तो पहली फायदे की बात की जाए तो दोस्तों चम्मच से खाना खाने के बजाय अगर हम हाथ से खाना खाते हैं तो मुंह नहीं जलता, क्योंकि चम्मच का तापमान खाने के अनुसार बदलता है और इसका पता हमें नहीं चलता। जबकि हाथ से खाते हो तो उसे हमें जो उसका तापमान होता है खाने का उसे हमें एहसास होता है, उसका हमें एहसास होता है। तो इसलिए चम्मच के बजाय हमें हाथ से खाना खाना चाहिए। दूसरी पॉइंट की बात की जाए तो जब हम हाथ से खाना खाते हैं तब उंगलियां और हाथ के अंगूठे आपस में मिलने से जो मुद्रा बनती है उसके कारण शरीर में विशेष रूप से ऊर्जा पैदा होती है। मतलब एक ऊर्जा पैदा होती है, अलग टाइप की एनर्जी पैदा होती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, वो फायदा करता है। और तीसरी फायदे की बात कीजिए तो हाथ से खाना खाते समय हम हाथ धोने पर विशेष ध्यान देते हैं, जबकि चम्मच से खाना खाते वक्त हम रखा हुआ चम्मच प्रयोग करते हैं जिसमें जीवाणुओं की उपस्थिति की संभावना अधिक हो जाती है। चौथे फायदे की बात की जाए तो जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पंच तत्वों का संतुलन सही से होता है, जबकि चम्मच से खाना खाने पर यह लाभ हमें नहीं मिलता। इतना ध्यान रखिए दोस्तों, इसीलिए हमें हाथ से खाना खाना चाहिए। फ्रेंड्स पांचवे फायदे की बात की जाए तो हाथ से खाना खाना स्पर्श चिकित्सा समान है। इसमें हमारे हाथ मुंह पेट और दिमाग में भी एक तरह का संबंध बनता है। शरीर के आंतरिक संकेतों के जरिए ही खाना पचता है, इससे शरीर सुपोषित होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पांच फायदे बताए हैं कि हाथ से खाना खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसीलिए अभी इसी वक्त चम्मच से जो लोगों खाना खाते हैं, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, वो खाना खाना छोड़ दें और अपने हाथों से खाना खाइए। जो पुरखों से हमारा दादा दादी हमारे जो पहले के जो लोग हैं जो खाना खाते आ रहे हैं जिस तरह नियम बना हुआ है उसी तरह हमें हाथ से खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के पहले हम अपने अपना हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। यही है फायदा हाथ से खाना खाने के लिए। चम्मच से आज ही त्याग कर दीजिए, चम्मच से खाना खाना छोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को, मतलब आपके दिमाग को, आपकी आंखों को, आपके सारे पेट्स को, मतलब आपकी सारे पेट मतलब आपके पेट को, सभी चीज को फायदा होगा। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपके लिए हर एक नुस्खा लाता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और प्लीज स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो एंड तक दीजिए, तो ही आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या जानकारी दी है। तो दोस्तों बहुत ही लोग हैं, मैं तो देखा हूं मेरे फ्रेंड्स लोग भी चम्मच से खाना खाते हैं, जो कि घर पे होने के बाद भी, होटल की बात की जाए तो अलग बात है और यहां पर भी खाते हैं। और कुछ लोग तो जैसे होटल में जाकर शर्म करते हैं कि हम हाथों से खाना क्यों खाएं, हमें थोड़ा शर्म आती है, चम्मच से खाएंगे। नहीं दोस्तों ये गलत है। चाहे आप होटल में खाना खाओ या अपने घर पे खाओ, अपने हाथों से ही खाना खाना है। इससे आपको पता चलता है सभी चीजों का और आपकी जो शरीर की एनर्जी पावर वो बनी रहती है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा लाइक की गुंजाइश नहीं करता हूं, अभी तो मैं शुरुआत किया हूं। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में